सो गाइस आर वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ डस्ट एसएमपी। द डस्ट एसएमपी के फोर्थ वाले एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोग एंड पोर्टल के थ्रू एंड डायमेंशन में जाते हैं और उसके बाद मेरे फ्रेंड का जो नेटवर्क होता है वो सही नहीं चल रहा था जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद मेरे और एंडर ड्रैगन के बीच एक खतरनाक वाली फाइट होती है। फाइट के एंड में फाइनली मैं एंडर ड्रैगन को बीट कर देता हूँ। उसके बाद हम दोनों लोग साथ में ही जाते हैं एंड सिटी में जाते हैं एंड शिप को लूटने के लिए। तो फिर वहां से हम लोग इलाइट्रा लेने के बाद और थोड़ी बहुत लूट करने के बाद हम लोग वहां से चले आते हैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर। तो फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से बोलता हूं कि हम लोग का जो आर्मर है वो थोड़ा बहुत वीक है जिसकी वजह से हम लोग चले जाते हैं नेदर के अंदर एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग के लिए। फिर उसके बाद जब हम लोग एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करके आते हैं तो यहाँ पे हम लोग एंशिएंट डेब्रिस फाइनली स्मेल्ट करने के बाद हम लोग जो अपने आर्मर्स होते हैं और अपने टूल्स होते हैं उन सबको भी एंशिएंट डेब्रिस से कवर कर लेते हैं। तो वीडियो के एंड में आप लोगों ने देखा होगा मेरा फ्रेंड जो होता है वो अचानक से हवा में उड़ने लगता है और उसके बाद कोई ये ब्लैक कलर का शेडो उसको पीछे से स्पाई कर रहा होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग वीडियो को देखना, आप लोग को जल्दी पता चल जाएगा। सो अब आगे तो फिर हम लोग उसके बाद जब हम लोग फुल्ली नेदराइट के आर्मर में अपग्रेड कर लेते हैं तो फिर हम लोग ऐसे ही मजाक में ही एक छोटा मोटा पीवीपी करने लगते हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों लोग साथ में पीवीपी कर रहे होते हैं। तो मैं उसको मारता हूँ, वो मेरे को मारता है। उसके बाद फिर अचानक से वो एक जगह पे स्टिल खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि शायद से किसी वजह से कोई घर पे बुला दिया होगा जिसकी वजह से एएफके चला गया होगा। फिर अचानक से उसकी मुंडी जो होती है वो पता नहीं किस तरीके से बिहेव करने लगता है। फिर उसके बाद वो अचानक से हवा में उड़ने लगता है। तो मेरे को लगता है कि यह शायद से इसके साथ कुछ तो गड़बड़ सीन हुआ है इसके साथ। फिर वहीं पे मैं खड़ा होकर देखता हूँ कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। शैडो होता है ये दिखाई देता है। मेरे को तो नहीं पता ये बंदा कौन होता है और ये कुछ समय के लिए ही दिखता है, फिर उसके बाद ये गायब भी हो जाता है। फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड जो होता है वो अचानक से हवा से नीचे आने लगता है और यहाँ पे नीचे आने के बाद ये मेरे ऊपर ही अटैक कर देता है। अब मेरे को नहीं पता कि किस वजह से अटैक कर रहा है। मेरे को लगा कि ये मजाक कर रहा होगा, एक दो शॉट मारेगा उसके बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लगातार मेरे को मारने लगता है फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रुकता हूँ कि भाई रुक जा, क्राउच करता हूँ कि भाई रुक जा, मत मार। तो फिर उसके बाद जब मेरी हेल्थ कम होती है मैं यहाँ पे भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब मैं जल के वहाँ पे मर जाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं जस्ट वहाँ से निकल ही रहा होता हूँ कि मेरे घर के सामने एक बुक रखी हुई होती है, उस पर लिखा होता है लास्ट नोट फ्रॉम क्रिशु, यानी जो मेरा फ्रेंड होता है उसका लास्ट नोट। तो फिर इसको मैं इग्नोर करता हूँ, जो बाहर मेरा सामान गिरा हुआ है ना, या मैं वहाँ पे मरता हूँ तो मेरा जो सामान होता है उसको लेने के लिए आता है तो मेरा सामान भी डिस्पोन हो जाता है। पता नहीं किसे इतना जल्दी तो डिस्पोन भी नहीं होता है, यानी कि मेरा सामान कोई जला दिया होगा। तो शायद से वही मेरा जो फ्रेंड था वही जला दिया होगा। तो फिर उसके बाद वो जो क्रिशु का लास्ट नोट होता है उसको ओपन करता हूँ तो उसके अंदर मेरे को कुछ कोऑर्डिनेट मिलते हैं। मेरा फ्रेंड जो बोलता है बोल रहा होता है कि जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा, बेसिकली पॉज करके आप लोग भी पढ़ लेना कि इसमें कुछ कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है और साथ ही साथ इसमें नीचे लिखा हुआ है कि शल्कर भी ओपन करो जो घर में है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं शल्कर के अंदर। शल्कर को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर फुल्ली नेदराइट का आर्मर होता है, सॉर्ड होता है, इलाइट्रा होता है, मतलब सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो एक चीज़ तो सही हो गई कि मेरा जो आर्मर गायब हुआ था वो मेरे को मिल गया। तो फाइनली मैं हम लोग देखते हैं कि क्या आखिर ये इस कोऑर्डिनेट पे है क्या। तो फिर मैं इसके बाद यहाँ से निकल जाता हूँ।
सीधा मैं इलाइट्रा लेता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ इस कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के ऊपर पहुँचने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के ऊपर पहुँचता हूँ तो इस कोऑर्डिनेट पे मेरे को एक डेजर्ट टेम्पल मिलता है। तो इस वाले डेजर्ट टेम्पल को अच्छे से देखने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक लावा पूल साइड में भी है और एक डेजर्ट टेम्पल है। तो डेजर्ट टेम्पल के अंदर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस ब्लॉक्स को माइन करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डेजर्ट टेम्पल के अंदर जाते हैं। तो फिर यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे पर्ल करता हूँ, फिर उसके बाद डेजर्ट टेम्पल में जाता हूँ, फिर उसके बाद डेजर्ट टेम्पल में जाने के बाद तो फिर उसके बाद मैं इस सारे चेस्ट को ओपन करके देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाता है और साथ ही साथ मेरे को एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर एक नोट होता है और उसके अंदर लिखा होता है कि जंप इनटू द लावा। मेरे को दिमाग में आया कि मैं बाहर तो लावा देखा हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं ब्लॉक्स लगा लगा के जल्दी से ऊपर आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से जो डेजर्ट टेम्पल होता है उससे बाहर निकलता हूँ और मैंने जो साइड में लावा देखा तो उसको जाकर थोड़ा बहुत स्पेक्टेट करता हूँ यानी देखता हूँ। तो देखने के बाद मेरे को एक चीज़ यहाँ सेंटर में थोड़ा बहुत जो लावा होता है वो अजीब तरीके से होता है, तो फिर मैं मेरे को लगता है कि शायद से यहाँ पे कोई एंट्रेंस होगी। तो फिर उसके बाद मैं उस लावा में जंप करता हूँ, तो यहाँ पे लावा में जंप करते हैं, तो लावा में जंप करते ही मैं यहाँ से एकदम नीचे चला जाता हूँ ज़मीन के अंदर। फिर ज़मीन के अंदर आने के बाद ये एक यहाँ पे कोई एक साइंटिस्ट होता है कि पता नहीं कौन सा एक बाबा होता है, वहाँ पे जाता हूँ उस बाबा या प्रोफेसर के पास। तो यहाँ पे आने के बाद जो साइंटिस्ट होता है ये मेरे को मारने लगता है। तो फिर उसके बाद मैं उसके सामने सारा अपना सामान फेंकता हूँ, भाई मेरे को तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मेरे को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देते। मैं उसको समझाता हूँ कि सारी चीज़ें जो मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी सारी चीज़ें मैं उसको समझाता हूँ कि पता नहीं कौन सी ब्लैक एंटिटी आई थी, पता नहीं कौन सा एक ब्लैक कलर का शेडो आया, कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया, फिर उसके बाद जो मेरा फ्रेंड था वो हवा में गया। ये सारी चीज़ें मैं उसको बताता हूँ कि कैसे मेरा फ्रेंड हवा में गया, उसके बाद मेरे को ही मारने लगा। इससे थोड़ी बहुत बात करने के बाद ये बाबा मेरे को बताता है कि ये भी उस वाले बंदा यानी जो ये ब्लैक कलर का जो शेडो टाइप एंटिटी था इसके ऊपर ये मेरे को बताता है कि ये एक एंटिटी है, यानी कि ये जो साइंटिस्ट है या फिर ये जो बाबा है ये इसके ऊपर बहुत समय लंबे समय से रिसर्च कर रहा है। अभी वो रिसर्च कंप्लीट भी नहीं हुई लेकिन कुछ डिटेल्स इसके हाथ तो लगी हैं, तो वही डिटेल्स मेरे को बताया और ये साथ ही में उस एंटिटी का नाम आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क्या है। तो इस एंटिटी का नाम इस बूढ़े अंकल से हम लोग को पता चलता है कि इस एंटिटी का नाम है वो है डार्क सोल। तो इस एंटिटी का जो नेम है वो है डार्क सोल। लेकिन ये जो साइंटिस्ट है ये इसके ऊपर बहुत समय से रिसर्च कर रहा था जिसकी वजह से इसका नेम पता किया और ये एक मेरे को पोशन भी देता है, उसका हर्ट भी देता है, पता नहीं क्या होता है, मेरे को तो नहीं पता इसका क्या काम है बट मेरे को देता है तो मैंने रख लिया था। तो फाइनली गाइस यार एक चीज़ तो हम लोगों ने इस एंटिटी के बारे में, ये जो एंटिटी है इसके बारे में हम लोगों ने एक चीज़ तो पता कर ली कि आखिर इसका नेम क्या है। और ये जो साइंटिस्ट है ये मेरे को बोलता है कि जो मेरा घर है उसके पीछे एक स्वाम्प बायोम है, तो उसी के आसपास में कहीं स्वाम्प बायोम में ही कहीं विच का जो हट होता है वहीं पे अब हम लोग को जाना है। तो विच के हट में तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अगर डस्ट एसएमपी का एपिसोड नंबर 6 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।